क्या होता अगर डायनासोर्स अब भी जिंदा होते। लिब लैब में वापस खुश आमदीद, जहां हम तारीख, साइंस और सकाफत में दिलचस्प मौजूदात की तलाश करते हैं। आज हम अब तक के सबसे दिलचस्प सवालात में से एक में झांकने जा रहे हैं, अगर डायनासोर्स अब भी जिंदा होते तो क्या होता। डायनासोर ने तकरीबन 150 मिलियन साल तक जमीन पर हुक्मरानी की है और तकरीबन 65 मिलियन साल कबल एक्सटेंट हो चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो किसी तरह जिंदा रहने में कामयाब हो गए होते? क्या वो हमारे शाना बशाना तरक्की करते या फिर वहीं रहते? साइंसदानों ने बरसों से इस सवाल पर बहस की है और बहुत से नज़रियात मौजूद हैं कि अगर डायनासोर्स अब भी जिंदा होते तो क्या होता। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वो ज़मीन पर गलबा बरकरार रखते, जबकि दूसरों का ख्याल है कि बदलते माहौलियाती हालात की वजह से वो बिलाखिर एक्सटेंट हो गए होते। एक बात यकीनी है कि अगर डायनासोर्स आज भी जिंदा होते तो हमारी दुनिया बहुत मुख्तलिफ होती। हमें अपने सियारे को उन अजीम मखलूक़ात के साथ बांटना होता और हमें उनकी मौजूदगी के मुताबिक ढालना सीखना होता। तसव्वुर करें एक टायरानोसॉरस रेक्स को सर पर चलते हुए, या अपने घर के ऊपर एक ब्रैंचोसॉरस उड़ते हुए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मजमूई तौर पर हमारी तहजीब पर इसके असरात बहुत ज़्यादा होते, लेकिन हम उन बड़े जानवरों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? क्या हम खाने या खेल के लिए उनका शिकार करते, या हम उनके साथ मिलजुल कर रहना सीखते? क्या हम उनके लिए खसूसी रिहाइशगाहें तामीर करते, या वो आज़ाद घूमते फिरते? ये यकीनी तौर पर जानना नामुमकिन है कि अगर डायनासोर्स अभी भी जिंदा होते तो क्या होता। लेकिन एक बात वाज़ेह है, हमारी जदीद दुनिया में उन्हें देखना एक नाकाबिले यकीन तजर्बा होता। और कौन जानता है, शायद एक दिन साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम उन कदीम मखलूक को दोबारा ज़िंदा कर सकें और उनकी तमाम शान शौकत में उनकी गवाही दे सकें। चाहे आप एक माहिर हयातियात हैं, साइंस फिक्शन के शौकीन हैं, या सिर्फ कोई ऐसा शख्स हैं जो हमारी आसपास की दुनिया से मुतासिर है, डायनासोर्स के जिंदा रहने का ख्याल वो है जो तखयल को पकड़ता है और हमारे तजस्सुस को जला बखशता है। डायनासोरों की दुनिया में सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। तारीख, साइंस और सकाफत के नाकाबले यकीन राजों की खोज करने वाली मजीद वीडियोज़ के लिए लिब लैब को पसंद और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार मिलेंगे, शुक्रिया।